हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ट्रेडमिल जो है इन्होंने शुरू कर दी है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, क्या बात है। कैसा लग रहा है? बस हो गया, बस हवा निकल गई। अभी मैंगो लस्सी आई है। मैंगो लस्सी, ये थैंक यू। इसीलिए मुझे ट्रिप वाली फील नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था घर से निकल के घर ही आ रहा हूं। इसने मेरे को शूज भी नहीं पहनने दिए, मुझे चप्पल में। अच्छा हुआ ना, तो हल्का है, हो जाएगा ना चप्पल पहनने से। हाँ, मैंने बोला था कि होगा ना, मतलब कंफर्टेबल रहेगा। वो वाला देखो, देखा यहाँ से जो है जी, बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आप लोग। ऐसी पहली बार मैंगो लस्सी पी है। मैंने पहली बार पी है वही तो। मैंगो लस्सी क्या तुम कि लस्सी में मैंगो डालते हैं या ऐसे ही मार्केट से आते हैं, कैसे करते हैं? हम लोग भी लस्सी में घर में भी बनाते हैं, मैंगो का डाल तो मैंगो डालते ही है। अच्छा, ऐसा होता है। मैंने इसको बोला था कि ऐसे बनती है, इसने कभी बनाने ही नहीं दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मैंगो लस्सी मुझे अच्छा लगा। अच्छा लग रहा तुम सच में बोलो। अलग, मैंने ऐसी नहीं पी पहले। हम तो यूजली दही की बना लेते हैं जैसे। हाँ। ये तो मैंगो वाली अच्छे लग रहा है, टेस्टी है। कौवा का खाना खा रहा है, कौवा लोग गुस्सा हो रहा है। वो कह रहा है मेरा खाना। हाँ, क्यों खा रहा है? खाना क्यों खा रहे हैं? और ये खा रहे हैं महाशय। महाशय खा रहे हैं, वो लोग गुस्सा हो रहा है। देखो कितना गुस्सा हो रहा है, सारे ही आ गए। कितना गुस्सा हो रहा है, भगा दिया। भगा दिया, चले गए वो। नहीं आ जाएगा, मुझे भी डर लगे, पता चले फोन वगैरह पकड़ ले। तो ये बंदर को भागते देखने के बाद हमने जो है एक रील बनाई थी अमित और मैम ने, तो उसको जरूर देखिएगा। और फिर हमने टेस्टी खाना खाया। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है मैंगो वाली कुल्फी खाते हुए हम सब, बहुत अच्छी है। अल्फांसो मैंगो की है इसकी सारी आवाज़। हाँ, तुम तो काटते ही। तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है रखना। आज फाइनली मुझे शूज पहनने को मिल गए हैं और इनकी बदौलत है आज इन। हाँ, इनकी आज ये इंसान इसलिए लेटे हुए हैं, देख कितने आंसू आ रहे हैं इनको कि शूज पहनने दे दिए इन्होंने मेरे को गंदे करने के लिए। ये जो है इसने, इसको हो गई है एलर्जी आज, जो कि यूजुअली मेरे को होती है। और ये मम्मी लोगों की तरह पूरी पैकिंग कर रहे हैं। क्योंकि जूहू देखो, ये देखो, ये जूहू बीच पे मेरा दोबारा से बर्थडे मनने वाला है मेरा और इसका भी। अफसोस मुझे इसके साथ अपना बर्थडे शेयर करना पड़ रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो जी, तो हम निकलते हैं और सिद्धि विनायक मंदिर जाना है एंड आपको मिलते हैं वहीं पे। आप भी बोलो कुछ। हाँ। मुझे बोला है इसके हैप्पी बर्थडे का टैग जो मिले ना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलो जी, केक लेंगे हम, सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे। मैं कब से कह रही हूँ जाएंगे जाएंगे, पहुँचे नहीं रहे हम। दिखाना RABIN, शाबाश। RABIN होता है, वाह इतनी अच्छी तो स्पेलिंग लिखी है इन्होंने। आपने क्या स्पेलिंग दी थी? क्या लिखा था? RABIN, पहले आई लिखने वाले थे, फिर इन्होंने आई काट के डबल ई कर दिया और फिर रवि इन्होंने दोनों। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। रवि नाम एंड अमित, क्या बात है। आप ऐसे करोगे मेरे साथ? चेंज कर दो, कर दो। अमित ठीक है, अमित तो जैसे मर्जी लिखो अमित ही रहेगा। ट्रिपल ई डी अमित। हाँ, ये मैं कह रहा था तुम्हारे जैसे टेढ़ा हो रखा है ना बनाम। नहीं, वो कंप्लीट कर दो। आम कब से काट के रख रखा है? अभी काट के रख।
अभी काट के ताजा है, फ्रेश है ना। और इसके बाद हम सर के पास गए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ये मुंबई की बड़ी 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 इमारतें देखते हुए अगर इनको पास से देखे तो इन पे कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं सर के हॉस्पिटल और यहाँ पे सर के कैबिन में। और अगेन सर कुछ बता रहे हैं अमित को, जो कि बहुत ध्यान से सुन रहा है हमेशा की तरह। और मैम भी यहाँ पर है, ये बोलेंगे अभी जो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि बहुत बड़ा कैंसर के लिए जो है बहुत बड़ा और बढ़िया हॉस्पिटल माना जाता है। उसमें जो है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टीके साधु प्रणब सर जो है वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे है। तो हम यहाँ पे उनका बायोकेमिस्ट्री लैब देखने आए थे, एनालिसिस होती है वो सब उनसे जाना और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को, इनको थोड़ा ज्यादा। हाँ, नहीं तुम्हें भी आया, मतलब आया, मुझे समझ आती है चीजें, बट मेरा अभी केमिस्ट्री थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बट हाँ इसका थोड़ा सा ज्यादा होता जा रहा है। एनीवेज मेरा एजुकेशन थोड़ा ज्यादा जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, मुंबई आके भी बात ये इसकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर, मैं तीन बार ये चीज रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अभी हम चलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर, अभी हम चलेंगे हम पता नहीं कब चलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर। और इसके बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं जी सिद्धिविनायक मंदिर। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है बाहर से और बहुत लंबी लाइन है, और जब तक लंबी लाइन खत्म नहीं होती तो हम ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख सकते हैं, इनके नज़ारे लूट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन में जब आगे सरकेंगे तो यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह देने के लिए और पूजा का सामान देने के लिए भी लोग हैं, जरूरी नहीं होता बट ले सकते हैं। महिलाओं की और जेंट्स की दोनों की लाइन अलग अलग है। और जैसे ही लाइन से बाहर निकलते हैं हम, ये देखिए अमित हाथ हिलाते हुए, और लाइन से निकलते ही हमें इतना बड़ा पंडाल नजर आता है, बहुत बड़ा, और बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग फ्लेवर के मोदक हैं क्योंकि गणेश जी को मोदक पसंद है। और ये यहाँ पे अंदर भी जाके बहुत सारी दुकानें और बाहर भी बहुत सारी दुकानें थी। दुकानों को क्रॉस करके हम यहाँ जब लाइन में लगे, आगे भी इतनी लंबी लाइन थी और विद इन अ सेकेंड हमारे पीछे भी इतनी लंबी लाइन लग गई थी। तो बहुत भीड़ होती है, और जबकि ये तो सोमवार था, मंगलवार को और भी ज्यादा भीड़ होती है। तो ये भीड़ को क्रॉस करते हुए, ऑल्दो यहाँ पे बहुत पंखे हैं बट फिर भी सफोकेशन हो जाता है, यहाँ पे टीवी भी लगा रखी है, स्क्रीन लगा रखी है ताकि मंदिर के अंदर का नजारा दिख सके, और फाइनली हमें यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटी सी क्यूट सी मूर्ति है यहाँ पे गणेश जी की, और बहुत बहुत भीड़ होती है और लोग दूर दूर से इनको देखने आते हैं, इनके दर्शन करने आते हैं। ये देखिए यहाँ पे भीड़ भी जब सामने से दर्शन करने को मिले, यहाँ पे अंदर जाके बिल्कुल सामने से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और जैसे ही एग्जिट लेने को होते हैं यहाँ पे म्यूजिक, लाइव म्यूजिक चल रहा है मंदिर के अंदर, और ये यहाँ पे दोनों लोग बजा रहे हैं। और ये देखिए हम दर्शन करके आ भी गए फिर भी बहुत लंबी लाइन है, और दर्शन अच्छे से हो गए हैं। और अब हम जाएंगे महालक्ष्मी टेम्पल, और महालक्ष्मी टेम्पल के अंदर जाने के लिए भी बहुत लंबी गली क्रॉस करके जानी पड़ती है। ये यहाँ पे मैं सर के साथ फास्ट फास्ट चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन सर कभी मुड़ के नहीं देखते कि पीछे क्या हो रहा है। ये देखो कोई हिम्मत करके दिखा दे कि सर को पलटवा के दिखा दे, ठीक है। तो अमित ने जैसे ही पलट बोला, मैंने धीरे से बोला सर पलटो, तो सर एकदम से पलटे, पर तब तक अमित ने कैमरा बंद कर दिया था। लेकिन ये है महालक्ष्मी टेम्पल के बाहर का नजारा। महालक्ष्मी टेम्पल है तो यहाँ पे कमल के फूल जो है वो चढ़ाए जाते हैं माता रानी को। तो यहाँ तीन जो है मूर्तियां हैं, बहुत सोने की हैं, बिल्कुल चमक भी रही हैं, पर अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, उसने बोला ओ मैडम बंद करो इसको, तो दर्शन करके हम बाहर आ गए। हाँ जी, तो हम मंदिर हो आए हैं महालक्ष्मी टेम्पल और सिद्धिविनायक भी आए हैं, और अब हाजी अली दरगाह बंद है कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन उसके बाहर हाजी अली जूस सेंटर है तो हमें वहाँ पे जूस पीना है, हमें नहीं रवीना को पीना है, तो हमें पीना पड़ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कुछ फेमस है, ऐसा कुछ है, फेमस है, बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत फेमस। देखो ये भी बहुत मुंबई का फेमस, मुंबई का फेमस, तो जूस पीते हैं। सबसे फेमस जूस सेंटर यानी हाजी अली जूस सेंटर के ऊपर सर का कोई लेना देना नहीं है हमसे, वो पता नहीं किधर ही जा रहते हैं। रोबीना को पीना है तो हमको पीना है, पर हम लोगों को रोबीना को पीने के लिए नहीं, हमारा पीना, हमारा भी पीना चाहिए, हमारा भी पीने की जरूरत है, रोबीना को पीने का जरूरत है, सबको पीने का जरूरत है। अरे कहना क्या चाहते हो आप लोग, कहना क्या चाहते हो मुझे पीना।
हाँ जी, हम पहुंच गए हैं हाजी अली जूस सेंटर। तो यहाँ पे फ्रेश जूस मिलता है सारी चीजों का, ये क्रीम भी मिलती है, फ्रूट एंड क्रीम, तो फ्रूट और क्रीम मिक्स करके दे दिया। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के जूस मिलते हैं, बट मुझे कंपैरेटिवली महंगे लगे ये सारे जूस। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है, अल्फांजो अच्छा, सबसे अच्छा होता है। आपको कैसा लगा? बढ़िया, ठंडा, ऊपर वाले ये जो डाल के पीसेस वो ठंडे नहीं है, बाकी सब बढ़िया, बाकी सब बढ़िया है। यानी हम कितने 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 8 10 में से 7 10 में से नंबर ये सही है, नेचुरल है, दिलदार भी है, आम है कुछ, ये खुद का पी के मेरा भी पी गया, शर्म नहीं आई, टेस्ट किया कि रवि ने मेरे वाला भी पी गया, थोड़ा सा एक नहीं नहीं ज्यादा पिया नहीं, थोड़ा सा थोड़ा छूट लिया, ये पी गया नहीं, मिठाई टाइम थोड़ा बिजी था उसमें थोड़ा सा। हाँ साफ आ गए अब नहीं, ये चलो जल्दी चलो, ये सही था लेकिन 200 के हिसाब से सही। हाँ चले, ये अच्छा था, ये मुंबई में है इसलिए 200 का, तो ये 200 का नहीं लग रहा। ये तो हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव, ये आपको पीछे ऐसे मुंबई दिख रही होगी पूरी की पूरी। और ये सर यहाँ पे केक ओपन कर रहे हैं और अमित जो है वो वेट कर रहा है कि ये काटे, और मैम यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। और ये यहाँ पे हम अमित का आने वाला 17 जून वाला बर्थडे मना रहे हैं। नाम तो लिखा हुआ है, वो तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो साथ साथ लिख दिया। पर मेजर फोकस तुम्हारे बर्थडे का है, और केक जो है वो आप लोगों ने देख ही लिया क्योंकि यहाँ तो दिखेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है मैम, आ जाओ आप भी बैठ जाओ मैम। तो यहाँ पे ये केक कटेगा जी। सर आप वेट कर रहे हैं, सर ने तो बजाना ताली शुरू किया, हैप्पी बर्थडे, चलो चलो शुरू करें। यस जल्दी टू यू। तो ये कौन काट रहा है, आम कौन काटता है? जो अरे रवि ने, तुम भी काटो ना, ये रही है, चलो चलो चलो, हो गया यही काटेगा, मेरा कट रहा मैंने काट लिया, अभी इसका बोलूंगी ना मैं, मैंने यही मना दिया, बात खत्म। मैंगो केक, मैंगो मैंगो चाय, कॉफी चाय, चाय कॉफी चाय, कैसा है रवि ने तुम खिलाओ, क्रीम क्रीम मैंगो है ये। यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो मेरे जूते ही देख लिए जाएं, क्या बात है। और सामने गिर गया मेरे, मुझे ये बोतल टेबल पर रखी है, बोतल का बाहर वो पूरा मुंबई, पूरा तो नहीं है बट हाँ मुंबई खाना बता। गाना गा दो इधर मुड़ के आए, बाकी मैं कौन के नजर दो सुनिए, मैम बना रही है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या हम, चलो आ रहे हैं हम, गाना सुना दें हम, सर इधर आ जाइए, सर इधर आ जाइए, सुन रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है चेहरा देखने में तुम्हारा, सुनाओ दिखाओ, गाओ तुम गाओ ना, क्या गाना, जिंदगी एक सफर है यहाँ कल क्या हो उसमें जाना, सर किसको पता, जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, इसने हमें बर्थडे के लिए खुद ही गा दिया, दिल की चैन, चैन आई मेरे दिल को दुआ कीजिए, तू मेरे अकेला भी गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, आगे आता नहीं। मांगा है तुम्हें दुनिया
दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो जी मरीन ड्राइव के बिल्कुल सामने है द ओबेरॉय होटल, और इसके साथ में भी है ये कुछ क्या है, और उधर भी बिल्डिंग्स हैं, और ये सामने है मरीन ड्राइव जहाँ से मुंबई का नाइट का व्यू बहुत अच्छा आता है। यही आप लोगों को बताना था मुझे। और इसके साथ साथ अब हम चलते हैं, ओ कहाँ चलना है, अरे रिवीना अभी कहाँ चलना है, हमें कहाँ चलना है, अभी कहाँ चलना है, वहाँ से होते हुए जुहू बीच चले, वो बहुत अच्छा सा व्यू है। चलिए जी आपको मिलते हैं, ये भी व्यू ही था। और फिर वड़ा पाव खाएंगे हम, सर खिलाएंगे, बढ़िया वाला बोल रहे हैं, पर मेरा बहुत मन है कोई टेस्टी सा वड़ा पाव। चलिए जी मिलते हैं आपसे। आप ऐसा मत सोचो कि मुझे सब पता है, दो दिन से बादाम नहीं खाया इसलिए नहीं चल रहा होगा दिमाग में, ऐसा सर को लगा। अच्छा, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी बहुत फास्ट, इस गाड़ी से भी फास्ट है। मरीन ड्राइव के बाद निकल पड़े जी जुहू के लिए, और जुहू पहुंचने के लिए यहाँ पे वर्ली और बैंड्रा दो अलग अलग जगह को जोड़ता हुआ ये सी लिंक है, जिसको बैंड्रा वर्ली सी लिंक बोलते हैं, और ये ऑब्वियसली सी के ऊपर से इसलिए सी और लिंक, क्योंकि ये दो जगह को लिंक करता है। आर्किटेक्चर की वजह से काफी अट्रैक्टिव प्लेस माना जाता है, और जो भी यहाँ से जाए वो ये वाली वीडियो तो जरूर निकालता है कि इतना सुंदर है ये देखने में। और इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जुहू बीच और जुहू चौपाटी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं जुहू बीच, यहाँ पर जुहू चौपाटी भी जो जगह बोलते हैं ना, जहाँ खाना पीना होता है वहाँ बीच चलेंगे। हाँ, तो ये 11 बजे जो है बंद हो जाता है ऐसा बोला जाता है, तो हम फिर भी जो है यहाँ 10 मिनट पहले पहुँच गए, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। तो रात में समुद्र देखना ऑब्वियसली एक अलग और अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, हवा चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा ऑब्वियसली ज़्यादा था, और जो लाइट दिख रही है वो जुहू चौपाटी है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, और कचरा थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे ना, मतलब साफ सफाई कम है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। कम से कम हाँ पीछे दिख रहा है, और यहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, चलो 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 खाना खाते हैं चलो। तो ये है जी जुहू चौपाटी, यानी यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, जैसे एक शॉप आपको अभी बंद होती दिख रही है ना, अंधेरा दिख रहा है, ये सारी शॉप्स में अब धीरे धीरे अंधेरा होगा, क्योंकि मैंने बोला ना हम 10:50 पे पहुंचे, तो 10-1 मिनट ही बचे हैं हमारे पास, और हम उसमें भी इधर उधर घूमने लग गए। तो ये खाने पीने की जो भी शॉप्स हैं ये 11 बंद हो जाती हैं, पहले ये रातों रात तक चीज़ें खुली रहती थी। ये देखिए यहाँ पे ये पुलिस वाले जो है ये बंद करवा रहे हैं कि बंद करो जल्दी से, जब से कोरोना आया है उसके बाद ये बहुत जल्दी बंद करवा देते हैं 11, जबकि वरना पहले ये रात पूरी रात खुला रहता था सारा कुछ, इसीलिए बोलते हैं ना मुंबई रात भर चलती रहती है। तो यहाँ पे ये एरिया पर्टिकुलरली जुहू चौपाटी 11 बंद हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और खाने पीने की चीज़ें बहुत हैं, हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन आप जब भी आएँ तो ये ध्यान रखें कि 11 से पहले ही इसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लें, चीज़ें खा पी लें। हमें मुश्किल से जाके बस ये पाव भाजी वाली लास्ट स्टॉल पर हम पहुँचे, ताकि ये लेट बंद हो, और हमने यहाँ पर पाव भाजी बोली, और इन्होंने भी बहुत जल्दी 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 जो है पाव भाजी बनाई। क्या हुआ है, बंद कर दिया, चलेगा 3 मिल जाएगा। सो हम बहुत लास्ट में थे, और इस दुकान पे लास्ट हमें ही पैक कर इन्होंने बना के दी थी पाव भाजी, और हमने भी बहुत फटाफट खाई, क्योंकि एक प्रेशर सा बन रहा था कि बस सीटियां बज रही है पुलिस की कि बंद करो निकलो यहाँ से सब लोग। सो बस ये है कि लास्ट मोमेंट पे मैं आप लोगों के लिए ये क्लिप ले पाई कि हाँ अमित खा रहा है बहुत जल्दबाजी में, और ये इतनी गर्म थी, और वो भी फिर भी हमें बहुत जल्दी 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 जो है इसको खाना पड़ा। जैसे ही जूह चौपाटी पे आए और हमने खड़े हुए और हमने खाने की तरफ आए, तो इन्होंने बंद करा दिया पुलिस वाले, क्योंकि 11 ये बंद हो जाता है ना, तो फटाफट खाने पीने की चीज़ें बंद करा, पाव भाजी खाने को मिली, फटाफट खाई हमने, फालूदा ठंडा आइसक्रीम गोलगप्पे रह गए, शाम को किसी और दिन प्लान करना पड़ेगा, ये ना आराम से खा सके खड़े हुए, अंदर बहुत गर्मी गर्मी लग रही है, गर्म पाव भाजी खा के ठंडा मिल जाता ना, उसकी बात नहीं बंद करा सकते, पेप्सी भी है वहाँ, पेप्सी नहीं चाहिए ना ठंडा, मतलब आइसक्रीम। चलिए जी कुछ देखते हैं, तो ये दिन यही ड्राइवर आ रहा है होता है, और हम आप
से मिलेंगे। अभी बज गए हैं 11:15। बड़ा पाव कैसा लगा? बड़ा पाव नहीं थी वो, पाव भाजी। इसको ये भी नहीं पता हमने क्या खाया। पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी कैसी थी वो? पाव भाजी तो अच्छा था। सर ने बोला था बड़ा पाव खिलाऊंगा। बड़ा पाव खिलाई नहीं ना। कब कब कब? और सर तो हम लुनावला जाएगा। परसों खिलाएंगे पाव भाजी थी। सॉरी अब अभी 5 दिन है। अच्छा अच्छा बड़ा बो खिलाएंगे। हमारे उधर का बड़ा बो अब इधर दिखाओ। हमारा उधर का बड़ा बो अब तो मीठी मीठी ना फेल हो जाए। हमारा जो कॉलोनी का बड़ा बो तो आते हो बाबा। चलिए अगले ब्लॉग में।